कीव पर हो जाएगा कब्जा। 72 घंटों में कीव पर कब्जा कर लेगा रूस। यूक्रेन और रूस के बीच जो युद्ध छिड़ा है उसमें लगभग सभी देश शांति की अपील कर रहे हैं, लेकिन भारत देश को चाहिए कि वो शांति की अपील केवल रूस और यूक्रेन से ना करके भारत के मीडिया से भी वो शांति की अपील करे। जिस तरीके की बातें भारत का मीडिया कर रहा है उससे युद्ध में आग में घी डालने जैसी बातें हैं। वो कभी भी किसी खबर को भी नॉर्मल होकर नहीं दिखा रहे हैं। एनर्जी मिनिस्टर ने पूरी दुनिया को आगाह किया है, यूक्रेन के मंत्री ने जताई है बड़े न्यूक्लियर खतरे की आशंका। ज़ापोरिज़्या न्यूक्लियर पावर प्लांट में साजिश रच रहे हैं रूसी सैनिक, इस ये आरोप लगाया है। यूक्रेन के ऊर्जा मंत्री ने प्लांट के स्टाफ का उत्पीड़न भी कर रहे हैं। यूक्रेन के पास 50 देशों को न्यूक्लियर वेपन सप्लायर के तौर पर जाना जाता है। 50 देश ऐसे हैं जिन्हें न्यूक्लियर वेपन सप्लाई करता है और इसके साथ ही ऐसे कई हाईटेक प्रोडक्ट्स हैं 75 सालों से बना रहा है रशिया। ये कि अगले 72 घंटे में कीव पर कब्जा हो जाएगा, 72 घंटे में कीव पर कब्जा कर लेगा रूस। रूस यूक्रेन जंग के बीच अमेरिकी एजेंसीज की तरफ से ये बहुत बड़ा दावा किया गया है। 2 हफ्ते बीत चुके हैं 14 दिन से कीव पर कब्जे की कोशिश में रशिया नामी है और अब अमेरिकी एजेंसीज की तरफ से जो दावा किया गया उसमें आने वाले 72 घंटे क्रिटिकल बताए गए हैं। युद्ध की हर खबर सबसे पहले TV9 भारत वर्ल्ड पर। देखते देखते 13 दिन गुजर गए और यूक्रेन रूस जंग 14वें दिन में प्रवेश कर चुकी है। भारत का मीडिया एक देश के पक्ष में और एक देश के विपक्ष में अभी भी नजर आता है, जबकि भारत का अभी भी कोई स्टैंड नहीं है। वो दोनों ही देशों से शांति बनाने की अपील कर रहा है, तो वो जिस तरीके की खबरें दिखा रहा है उससे शांति की अपील कहीं से कहीं तक नहीं दिखाई देती है। केवल भड़काने, लोगों को गुस्सा दिलाने, साथ ही गुमराह करने जैसी बातें भारत का मीडिया कर रहा है।